नमस्कार दोस्तों, श्राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, अगर आपके घर में स्थिरता नहीं है, धन आता है चला जाता है, लोगों के स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, छोटे मोटी एक्सीडेंट, चोट चपेट या घर के बच्चे बड़े अस्थिर चल रहे हैं, तो कहीं आपके घर में नैऋत्य कोण खराब तो नहीं है? नैऋत्य कोण का तात्पर्य है दक्षिण और पश्चिम का कोना। इस कोण को पृथ्वी तत्व से जोड़ा जाता है। जब इस कोण पे वजन कम हो, अर्थात कभी कभी लोग क्या करते हैं, इस स्थान पे सेप्टिक टैंक बनवा देते हैं, या यह हिस्सा डाउन होता है, इस स्थान पर गड्ढा वगैरह होता है, या कभी कभी तो मैंने सुना है कि कुआं या बोरिंग करा देते हैं पानी की, ये तमाम स्थितियां वास्तु के हिसाब से अच्छी नहीं होती हैं। यहां पर जल का गिरना और साथ में गड्ढा होना, यह दोनों शुभ नहीं माना जाता। इस स्थान को वजनी होना चाहिए, जिस कारण से यहाँ पर अगर सेप्टिक टैंक बनती है या कोई गड्ढा निर्माण किया जाता है तो पूरे घर के वास्तु को वह दूषित करता है। यहाँ पर अगर पानी की बोरिंग हो तो नारियों के स्वास्थ्य के साथ साथ घर में एक कलह की स्थिति भी पैदा होती है, साथ में घर में किसी को बीमारी भी होती है। अगर सेप्टिक टैंक होता है या कोई कुआं आदि होता है या गड्ढा होता है तो यह चोट चपेट एक्सीडेंट का भी कारण बनता है। तो मित्रों, इस स्थान पर कभी भी भूलकर गड्ढा या कोई ऐसा कुआं या सेप्टिक टैंक कभी ना बनाएं। अब बात उठती है कि अगर यह स्थान ऐसी चीज़ों से हो तो करें क्या, क्या ऐसा कुछ करें कि जिससे यहाँ पर थोड़ी सी स्थिरता आ सके। उपचार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पृथ्वी का कलर पीला है, तो कुछ ना कर सके तो सडन तुरंत वहां पर आप पीला रंग कराएं, पीले रंग का बल्ब जलाएं। लेकिन कोशिश करें अगर वहां पे कुआं हो या कोई गड्ढा हो तो उसको निकट भविष्य में जरूर हटाएं, क्योंकि पृथ्वी तत्व दुर्बल अगर होगा तो घर में स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, घर के बड़े बुजुर्गों की स्थिति भी खराब होगी, संतुष्टि की कमी होगी, आयु में झंझट आएगी, रोग और बीमारियों का घर आपका बन जाएगा। तो मित्रों, वास्तु की यह एक छोटी टिप्स जिसमें आप समस्या और समाधान दोनों से रूबरू हुए। अगर आपको ज्योतिष क्लास लेनी हो या वास्तु के बारे में जानना है या अपनी कुंडली दिखानी है तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो अपने विचारों को भी जरूर दर्ज कराएं। नमस्कार, श्राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।